बिल्कुल सच है। और तुम कान खोल के सुन लो, अपना डॉक्टर राजा इंडिया का नंबर वन साइकेट्रिस्ट, उससे मिलने के वास्ते वो देखो वीआईपी मीडिया वाले और रिपोर्टर देश भर के लोग आते हैं, सबका दिमाग सटक चुका है, सबके सब मेंटल हो गए हैं। अभी वो आता ही होगा और आते ही बवाल मच जाएगा। पर इस डॉक्टर का एक ही लोचा है, उसको दिखाने के लिए तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन वो देखता सिर्फ एक को ही है, पेशेंट ऑफ द डे लकी ड्रॉ से निकालता है वो। यकीन न हो तो लाइव डेमो देखो। हेलो, रखो ये भी रखो। हेलो, थैंक यू। बच्चे जैसा बुके, ओरिजिनल माँ को दे। ये लीजिए, लाओ। सॉरी डॉक्टर, आजा। कहा था ना बवाल मचेगा। हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए डॉक्टर, आप देश के नंबर वन साइकाइट्रिस्ट हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इतनी कमसिन जवानी में आंखों के नीचे झुर्रियां कैसे आ गई? डॉक्टर अभी तो मैं सिर्फ 24 साल की हूं। जवाब मिल गया ना, छोटी सी झुर्री से तुम परेशान हो गई ना, तुम जैसे लाखों हैं जो मेरा मार्केट बढ़ाते हैं। हाउ टू ट्यून द मैन? फिश मार्केट में रखे केकड़े जैसा थोबड़ा है तेरा। हाउ टू वेयर टू वेन टू बोल रहा है, चौथी क्लास फेल रिपोर्टर बन गया। मेरे कॉम्पिटिटर साइकेट्रिस्ट राजा गोपालन का कंपाउंडर है ना। अरे सर, क्या आप कुत्ते की तरह क्या सुनने आया है? बाकी डॉक्टर्स क्या सूखा पड़ा हुआ, आपके यहाँ सुनामी आई हुई है, यही जानने के लिए आया हो? तो सीक्रेट जानने आया है, इसको डिटेल में बता दो हम धंधा कैसे करते हैं। ओके डॉक्टर। डॉक्टर नमस्ते। देखो कौन आया है, मावस का चांद है। इतना मस्त जोक मारा फिर भी हंसी नहीं आई, दिमाग पे जंग लग गई है क्या? यही है मेरा पेशेंट ऑफ द डे। आजा मेरे पिछू पिछू। शोरूम में रखे हुए पुतले, नाम क्या है तेरा? कार्तिक है डॉक्टर। मिस्टर कार्तिक यहाँ टिकाओ। सुपर उदासी में भी चेहरा चमक रहा है, यही थोबड़ा लेके पब में जाते ना, बिना दाना डाले कबूतरियां पट जाती। वहाँ मौज मस्ती करने के बजाय यहाँ मुरझाया फेस क्यों लाया है? प्रॉब्लम में हूँ डॉक्टर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे दिमाग के हार्ड डिस्क से मेमोरी डिलीट कर दीजिए डॉक्टर। बरखुरदार, दिमाग पेन ड्राइव नहीं है जो इंसर्ट करके डिलीट कर डालूं। प्रॉब्लम क्या है खुल के बता भाई। अरे बॉस, यस, गुलाब जामुन देना। नहीं रसगुल्ला। नहीं, अच्छा गुलाब जामुन। नहीं गुलाब जामुन कैंसर, रसगुल्ला बेटर। अच्छा ठीक है, ये दो। ना ना गुलाब जामुन। Excuse me? Yes. Player खिलाड़ी के टिकट देना प्लीज। नहीं नहीं थलाइवा की दे दो। नहीं 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 हाँ अच्छा ठीक है ये दो। Player खिलाड़ी के टिकट दे दो। अरे नहीं नहीं भाई रुको रुको, कोई एक नाम बताओ ना। Finally player खिलाड़ी। अरे रुको रुको रुको, अब थलाइवा की दे दो। तुम जोश उड़ गए मेरे होश। Exactly यही प्रॉब्लम है डॉक्टर। बचपन में कॉकटेल जूस की बाटलियाँ ज्यादा पी होंगी, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये वाला लूँ या वो वाला लूँ, खुद तो कंफ्यूज रहते हो दूसरों को भी कंफ्यूज करते हो, डबल माइंडेड मुंडा। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर? मुझे ट्रीटमेंट से पहले तुम्हारी फैमिली की सारी डिटेल्स बताओ। फैमिली डिटेल्स? वो किस लिए? हैं? दिवाली में उनको पटाखे भेजूंगा। अरे फैमिली की हिस्ट्री जानूंगा तभी तो तेरा फ्यूचर बता पाऊंगा। बोल बेटा मुंह खोल। पापा बहुत प्यारे हैं, लीडिंग लॉयर, उनका नाम रामचंद्र है। हाय। हे, किसके हैं ये? मुरुगन, जी मालिक। वो देखो किस उल्लू के पट्टे ने अपनी चप्पलें यहाँ छोड़ दी हैं, बाहर फेंको इन्हें। ठीक है मालिक। अभी क्या? ठीक है। क्यों गला फाड़ रहे हैं, आप ही की तो चप्पलें हैं। तो क्या हुआ, कायदा कायदा होता है। हर बात पे सेंटी होने वाली बेचारी मेरी माँ, इमोशनल फूल। सुनिए, बेचारा इतनी मार खाकर भी कैसे हंस रहा है, इसका दर्द मैं नहीं देख सकती। मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है। आप तो रहने ही दो, वकीलों के दिल कहाँ होता है। इस सामने वाले गैंगस्टर को और उसके चमचों को किसी भी हाल में सजा दिलानी होगी, प्रॉमिस कीजिए। हाँ।
अब पापा अगर तिल हैं, तो माँ तिल का तेल निकालना जानती है। उनके अलावा एक दीदी है। हाय। एक बहुत ही अजीबोगरीब आदत है उनकी, मूड ऑफ हो जाए तो जो हाथ में हो उसे पहुँचने लगती है। रेसिपी बुक इसी में लगी रहो। क्या हुआ? मैंने हजार बार समझाया, नमक वॉशिंग पाउडर के पास मत रखा करो। सुबह उप्पा बनाए उसमें से झाग निकल रहा है। दीदी को नाराज करके रोज फर्श का पोछा लगवा लिया। अरे इसको तो जोक पे हंसी नहीं आती है, चल आगे बता। हेलो, मेरा नेचर अच्छे से समझा दिया ना तुमने, तो अपना काम करना इडियट। सामने जाऊंगा तो मेरा मुंह भी घिस डालेगी। नेक्स्ट। मेरी दीदी का हस्बैंड पदम कुमार, आईपीएल में जाने का सपना है उनका। अगर वो मिनी स्कर्ट पहन के हाथ में पॉम्पम लेकर हिलने के लिए तैयार है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। सर बैट्समैन बनना चाहते हैं। ओ खिलाड़ी। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल माय फैंस। जीजू ने एक मैच खेला भी, उनसे रन लेने के लिए कहा तो अभिषेक की रन ऑलरेडी आ चुकी है, मुझसे नहीं होगा। एक बार गली क्रिकेट में आउट हुए तो नहीं झेल सकता। जीजू की वाहियात कहानी सुन के पेट में गुड़गुड़ होने लगा है, मेरे सामने उसका नाम मत लेना। घर में चिल्लर पार्टी है कि नहीं? हाँ, है ना डॉक्टर, दीदी की सुपर इंटेलिजेंट बेटी मित्रा। 2+2 कितने होते हैं? 2। तो फिर 1+1? 6। शट अप, 1+1? 1। बहुत हो गया कल दिन, आज से सिर्फ मैथ्स पढ़ो। इस बार मैथ्स में फेल हो गए ना तो सीधा हॉस्टल भेज दूंगी, नो कॉम्प्रोमाइज। बस यही है डॉक्टर मेरी स्वीट फैमिली। हेलो, तो इसको स्वीट बोलता है क्या? ये तो किसी कार्टून सीरीज के घोंचू कैरेक्टर जैसे लगते हैं, एक से बढ़कर एक सैंपल है। तो तुम्हारी दिमागी हालत के लिए ये नमूने जिम्मेदार नहीं है, मतलब कोई और भी हिडन लोचा है। सच्ची बोल, कौन है वो? अरे वो लड़की घुमाने के लिए तेरी बाइक नहीं मांगी है जो जमाल घोटा पिया ऐसा मुंह कर रहा है? मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो सॉल्यूशन कहां से लाऊंगा? लव, लव डॉक्टर, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये लव है डॉक्टर, द लव डॉक्टर, द लव डॉक्टर, द लव डॉक्टर, द लव डॉक्टर। एक बार बोला लेकिन उसका 7.1 हो गया, कूल। उस लड़की का नाम बता। वो एक फैशन डिजाइनर है डॉक्टर, रोज उसके ऑफिस के रिसेप्शन पर वेट करता, अपनी सारी मीटिंग्स फोन से अटेंड करता। हाँ डॉक्टर, वेट करते करते थक जाता था, पर इस इंतजार में भी एक अलग मजा था। सुंदरता की मूरत है वो। अजीब है, ऐसी क्या आफत है कि तू उसके लिए पगला गया है? डिटेल में बता। स्वीटी, स्वीटी एक कैप्टन की बेटी है डॉक्टर। पैसे वाली होगी ना, संगे मरमर की तरह सुंदर मूरत होगी, है ना? पूछेंगे नहीं कि फर्स्ट टाइम कब और कहां देखा? रेलवे फाटक पे देखा, ऐसा बोलूं क्या? लव स्टोरी कंटिन्यू कर। मैंने उसे ऊटी में जॉगिंग करते हुए देखा, सुबह करीब 6:30 बजे। मुझे कंफ्यूज किया तो सबकी बत्ती फ्यूज कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर। झूठ बोले कौवा काटे पुराना हो गया है, मैं तुझे कुत्ते की तरह काटूंगा। उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह धोया डॉक्टर। तेरा कैरेक्टर समझ में आ रहा है? अरे भाई मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा यार, चल चल, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, चल चल जाने दो। मेरे माँ बाप का क्या होगा भाई, प्रॉपर्टी
पे कौन ऐश करेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? निकल 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 रे। थैंक यू ऊपर वाले। शक्ल से तो काफी शरीफ लगते हो, ये अकेले घूमने का कोई टाइम है? एक्चुअली ये तुम्हारी गलती नहीं है, नॉटी हॉर्मोन्स को बाल मार रहे होंगे। तुम्हारे माँ बाप से बात करनी चाहिए। एनीवेज आई मस्ट गो टू वर्क, तुम मैनेज तो कर लोगे ना? हेलो, व्हाट्स योर नेम? स्वीटी। हाय, दिल किडनैप कर गई कुड़ी। तो साइकिल के पेडल पे चेन फिक्स हो जाती है, वैसे तू लेडी जैकी चेन में फिक्स हो गया। लव यू वव यू बोला कि नहीं? कई बार ट्राई किया। वैलेंटाइन्स डे के दिन स्वीटी के ऑफिस पहुंचा। वहां बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे जूती दिखाई। हाँ, ये डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। हाय स्वीटी। हाँ हाय, यू कैन एक्चुअली गो विद दीज डिजाइन्स। ठीक है, श्योर, पक्का। हाय, लगता है मैं गलत टाइम पे आदम का। क्या हुआ स्वीटी, मूड ऑफ है क्या? I can't believe him. वो सिद्धार्थ, 4 सालों से फ्रेंडशिप थी, लेकिन आज आई लव यू बोल दिया। आई मीन, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो फ्रेंडशिप और लव को मिक्सअप कर देते हैं। क्या वाकई एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते क्या? हद होती है यार, सीरियसली, हाइट्स ऑफ नॉनसेंस। माय गॉड, यू आर अ जेम कार्तिक, रियली आज तक का मेरा बेस्ट फ्रेंड। मेरी लव स्टोरी का दी एंड। प्यार की गाड़ी तो रिवर्स में आ गई है, लड़की ने पहला गियर डाला कि नहीं? देखो, जब भी किसी लड़के से मैं इम्प्रेस होंगी, मैं सीधे उसे अपने पेरेंट्स के पास ले जाकर उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। उनके अप्रूवल के बाद मैं सारी दुनिया के सामने अपना लव एक्सप्रेस कर दूंगी। लगता है पूरी फैमिली सेट के लिए है। स्वीटी, पूरी दुनिया में उससे महकदार परफ्यूम नहीं बना होगा। कुल मिलाकर तेरे लव की लालटेन मैं ही जलाऊं ना? क्या बात है, इतनी जल्दी समझ गए? अरे, उसी लालटेन से तेरे प्यार की गाड़ी को सिग्नल देके भगा दूंगा। नकली डिग्री नहीं है मेरी। नहीं रुकिए डॉक्टर, उसके ठीक बाद लाइफ में एक और ट्विस्ट आया। स्टोरी चेंज करने से पहले हम दोनों जगह चेंज करते हैं, लोकेशन शिफ्ट। आ जा। आजा कार्तिक, ये है जुरासिक पार्क की पायरेसी और ये सारे के सारे मेरे डायनासोर। हाय डॉक्टर। नमस्ते आंटी। डॉक्टर, अरे कैसा है? माय गर्लफ्रेंड डॉक्टर, आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज हाय कहो उसे। हाय। डॉक्टर, कुछ है नहीं भी है, ऐसा क्यों? कभी इन कभी आउट। मैं इन हो गया हूँ, तू आउट हो जा। जा, तेरे मिस इंडिया बुला रही है, जा गाड़ी पकड़ के जा। तू चटनी चाटते रहे। बाय आंटी। कार्तिक आजा आजा, ये मेरे लुटेरे पायरेट्स ऑफ चीकूवाड़ी। और तेज और तेज, ठीक है ना? अरे नमस्ते, लगे रहो लगे रहो। आजा बैठ। थैंक्स डॉक्टर। हाँ, स्टोरी कंटिन्यू कर, आगे बोल। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अरे बहुत हो गया रे तेरा। किसी को मारना है। डॉक्टर, नमस्ते। नमस्ते। इसका कोई इलाज है? मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठ के खाली पेट अंजीर का जूस पियो, पेट अंदर आत्मा बाहर। डॉक्टर, हाजमा पहले से ठीक है डॉक्टर। वो यानी सिर्फ दिमाग खराब है? ए, पट्टी की होलसेल की दुकान, प्रॉब्लम क्या है? मेरे पड़ोसी बलवंत ने मुझे मारा, उसका खून पीना है। इधर आ। फेसबुक पे कितने दोस्त हैं तेरे? वो 600 से ज्यादा होंगे। हर ऐरे गहरे को अपना दोस्त बना लिया ना, लेकिन पड़ोसी के साथ झगड़ा करेगा तो इस दुनिया के लायक ही नहीं। डॉक्टर, इसको डी गैंग के वार्ड में ले जाओ। ये डी गैंग वार्ड क्या है? स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, इतनी जल्दबाजी मत कर, तू अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर। पापा ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी। कार्तिक, जीवन के नए पड़ाव में कदम रखने वाले हो तुम, शादी करने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। घर में बहू आ जाएगी ना,
लगेगा घर में लक्ष्मी और सरस्वती की 2-in-1 एंट्री हो गई हो। घर में मनी और हैप्पीनेस की नॉन स्टॉप बारिश होगी। व्हाट डू यू थिंक? पसंद आई ना पापा? मैम आपका फोन बज रहा है। ओह आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ बोलो, क्या बात है? फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा हूँ। अच्छा, अमेरिका जा रहे हो क्या? फिलहाल लड़की देख रहा हूँ। ओहो, तुम्हें जलन नहीं हुई? हुई ना, सोच के खुश हो जाओ। मुझे देख के इतना शर्माते हो, तुम्हारा होगा क्या जब तुम लड़की देखने जाओगे? लुक्की कहीं की, मुझे लगा कंसोल करोगी। ओह अब बात समझ में आई। हा? बताओ क्या समझी? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी के कपड़े डिजाइन करूँ, करेक्ट ना? करेक्ट नहीं, 100% करेक्ट। अगर लड़की ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओ सॉरी मित्रा। हाँ मम्मी। ये बैठ गई। ठीक है ठीक है, मामा के साथ बैठ जाओ। सब बैठ गए हैं तो चलो ना, आप भी चलेंगे क्या? मित्रा साइलेंट क्यों हो, कुछ बोलो ना, भाग जाऊं उसके साथ? भागने के लिए कलेजे में जिगर चाहिए, तुमसे ना हो पाएगा। चिंटू पिंटू शिंटू मिकू, अब तक 5 लड़कों ने मुझे प्रपोज किया है। सिर्फ 4 ही नाम क्यों लिया तुमने? 5वां भाग गया क्या? वो आपकी तरह डरपोक था मामा। ओके, इन 4ों में से किसे चुनोगी? चिंटू सैंडविच खिलाता था, पिंटू होमवर्क करता था, शिंटू गाना गाता था, मिकू डांसर था। फिर तो पढ़ा को पिंटू से कर लो। टोटली वेस्ट मामा, उसे लाइफ की रियलिटी का नॉलेज ही नहीं है। पैसे वाले से शादी करूंगी, मनीष हनी। मित्रा 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 क्या हुआ? साइलेंट मोड में क्यों चली गई? मामा रेड कलर की मेल वैन ने अभी हमें क्रॉस किया। मेल वैन? जब रेड वैन दिखती है ना, मतलब लाल गाड़ी दिखे, तो पता है क्या करना चाहिए? भगवान से विश मांगनी चाहिए, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। सच में? क्या विश मांगी बताओ तो, विश पूरी नहीं होगी। ओह ओके ओके, ड्राइविंग पे ध्यान दो, शालू मिल जाएगी आपको। वेलकम वेलकम, आइए। सही कहा तुमने। वकील इंसाफ पसंद होते हैं, ड्राइवर को फैमिली मेंबर समझते हैं। मुझे घर का कुत्ता ही क्यों नहीं कह देती तुम, वैसे भी डॉगी जैसी इज्जत करते हैं। मेरे हस्बैंड हैं। लड़का तो चकाचक है। आइए 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 अंदर आइए आइए। आओ बेटा, एंटर करते समय दायां पैर अंदर रखना। हाँ बाया रखा तो चलान कटेगी। देख के डायरेक्ट दिल से दिल मिल गया, गुड साइड। एक ही सेकंड में गॉड का वाईफाई चालू है इसलिए। आइए बताने में कोई हर्ज नहीं, हमारी थोड़ी अतरंगी सतरंगी फैमिली है। माई सेल्फ चित्रा लक्ष्मण, मेरी अर्धांगिनी चित्रा लक्ष्मी। नमस्ते नमस्ते। मेरा बड़ा बेटा चित्रा नाथन। हेलो नमस्ते। और चित्रा कला, ये मेरी सबसे बड़ी बहू है। हाय, मेरा नाम सुनकर ही मुझे बहू बनाने के लिए राजी हुए थे। मेरी बेटी का नाम है चित्रा शालू। सुनिए। हाँ बोलो। उनसे भी कहिए ना कि यहाँ बैठे। अरे आप लोग खड़े क्यों? आइए बैठिए, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग खड़े हैं। लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, सोफा ठीक है। लगता है कि शोभा को बदलना होगा, सोफे को बदलना। आपकी इंटीरियर डेकोरेटर? नहीं, शोभा शोभा। सोफा। इस चिड़ियाघर में एक और पंछी रहती है, मेरी लाडली बेटी चित्राकांत। कॉलेज में पढ़ती है क्या? कॉलेज में नहीं, 5वीं क्लास में पढ़ती है। उसमें और शालू में कुछ 15 साल का गैप रखा। ससुर जी, 15 साल की तपस्या किसी भी टीम को वर्ल्ड कप दिला सकती है। और क्या, सर लंबी पारी के खिलाड़ी हैं। शुभ मुहूर्त ना निकल जाए, लड़की को देख ले। देखा ना, शायद 15 साल पहले इसी तरह लाइट गई होगी। इनकी और मेरी फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करती है ना? मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह। घर चलते हैं। मेरी तरह मजा किया हो, मैं कहने वाला था मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, आराम से बैठो।
का रूप है। मेरी गारंटी है, जहाँ तक कुकिंग का सवाल है, इसके आगे अच्छे अच्छे मास्टर शेफ भी फेल हैं। अरे बेटा नजर उठा के तो देखो, लगता है पांव से फर्श पर रंगोली बना रहे हो। कार्तिक, देखने के बाद कुछ और नहीं दिखाई देगा? देखो तो सही। काश ये कॉफी मामा पे गिर जाए। संभाल के। शालू, कार्तिक को ऊपर ले जाओ और अपने भाई का शर्ट पहनने दे दो। चल बेटा चेंज कर। अकेले मिलने का बेस्ट बहाना है ये, जानबूझकर गिराई होगी। अरे आपको बताना भूल गया, ये मेरी माताजी हैं, चित्रा वीना, बेचारी नीचे नहीं आ सकती। अरे रे रे। तबीयत खराब होने या बुढ़ापे की वजह से नहीं, क्रिकेट के पीछे एकदम क्रेजी है, मैच खत्म होने तक टीवी से चिपकी रहेगी। सुनिए, यहाँ पर भी एक पगली है। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड छीन कर ही रहेगा। क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया? कभी बस में, कभी कॉलेज में, हर जगह उसे टॉर्चर करता रहता है। ये डम्बो, ज्यादा टॉर्चर तू लग रहा है। हाँ। टेंशन न ले, कल रात को कमला हाँ। थिएटर के बाहर मिल, हाँ। वहाँ कार्तिक नहीं, तुझे कुक गन मुरुगन मिलेगा। ओके। हाँ। प्रभु, ये क्या है, आधी फिल्म से क्यों बाहर ले आए? उस वेताल से पीछा छुड़ाने एक विक्रम आने वाला है। क्या मतलब? मुरुगन। हाँ, ये कौन सी बला है? उसके नाम से ही लोग थरथराते हैं। ओहो, वो देखो आ गया। यही है मेरा मुरुगन। डोंट यू वरी, मैं हूं ना। Who are you? मुरुगन, the love father. Godfather का नाम सुना, लेकिन ये love father? Please explain. Love में दिल पे चोट लगा है, तो love father दिल पे बम लगा। इधर क्यों मरने आया? ये public property है। मेरा मतलब प्रभु की property। खामोश। Not possible. 3 साल. 3 साल पीछा किया। चिकन 65। सुन, 60 सेकंड्स में जो इसे इंप्रेस करेगा, ये उसी की हो जाएगी। वो मेरी हो चुकी है। जैक्सन की औलाद, तेरा लव गेम ओवर। कैसा लगा मेरा डांस? जैक्सन के आगे अभी तक कोई नहीं टिका। तो देख, लड़की हंसी, मतलब मुझसे फंसी। मामला सेट है, मैंने कहा था ना डील हो जाएगी। डार्लिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बॉय। क्या हुआ, मैं उससे दूर रहूं? करेक्ट करेक्ट, ओके। ये 1947 की बात है, जुरासिक लवर्स नाम का एक पार्क था। एक बड़े से पेड़ के नीचे एक प्रेमी जोड़ा मिला, एक हसीन लेडी डायनासोर जिसका नाम था लव मी, राइनासोर का नाम किसमी। दोनों के काले होंठ मिलने ही वाले थे कि एक डायनासोरस ने अपनी टांग घुसेड़ दी। उसका नाम था व्हाट डू मीन बैड बॉय लाइक यू? नो, आई एम नॉट बैड बॉय शालू। वो बैड बॉय जबरदस्त डांसर था, वो लव मी को इम्प्रेस करके ले गया। उसके बाद बेचारा किसमी दाढ़ी बढ़ा के एक जोगी बन गया, फुल खंबा पी के देवदास बन गया। ए शालू डियर, मेरी कहानी के ट्विस्ट पे गौर किया कि नहीं? हाँ किया ना। उस राइनोसोर का नाम याद है? किस मी। बड़ा प्यार से बोलो, किस मी। बस उस दिन के बाद प्रभु ने मुझसे कभी बात नहीं की। चलो पुरानी बातें भूल जाओ। ओके, अब शादी के लिए तैयार? ए शालू, लाइफ के बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं करते। दिल की सीट पे रुमाल रख के बुकिंग कर रखी है। क्या, तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब पता है? अरे जख्म पे सॉल्ट मत छिड़को यार, लड़की तक को नहीं पता। हाँ? हे लोफर, ऐसे बोल रहे हो जैसे प्यार हो गया है। हाँ? Yes. 2 years, single sight, deep love.
सिंगल साइड बंदी बहुत अच्छी है क्या हाँ शी इज अ ब्यूटी स्वीटी स्वीटी शी इज अ फैशन डिजाइनर मिस्र की हुस्न मलिका है ए साथ में काफी अच्छे लगते हो यार सॉरी शालू मैंने तुम्हें आने के लिए फोर्स किया अगर तुम कहो तो मैं कुछ जुगाड़ लगाऊं सेटिंग करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ सच में आर यू सीरियस पर तुम अभी मना मत करना क्यों ऑलरेडी दो लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं तुम ना कोई भी स्टूपिड बहाना बना देना मेरी दादी ने तो रुदाली को भी मात दे दी है अरे बाप रे बाप अब मैं क्या करूं स्वीटी दूंगी एक मिला के शालू हूं मैं सॉरी 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 कह देना कि थोड़ा वक्त और चाहिए किसी को जाने में 15 दिन तो लगते हैं ना व्हाट डू यू थिंक ओके चलो बला टली थोड़े दिन कोई टेंशन नहीं तो फिर हमारा प्लान ओके ना डन ओके तूने 15 दिन का टाइम मांगा और तेरे पप्पा ने हथौड़ा मार के ऑब्जेक्शन योर ऑनर चिल्ला के अड़ंगा लगाया होगा उसको ओवर रूल कैसे किया और टाइम क्यों चाहिए तेरी माँ को पहली बार मंडप में देखा था मैंने ओके वो जाने दो लड़की में क्या कमी है नेक लड़की है अच्छी फैमिली है किसने कहा कि कमी है रोज मिलेंगे तो ही तो जानेंगे मिलने की क्या जरूरत डायरेक्ट हनीमून पे भेज देता हूँ वहीं जाके अच्छी तरह जान लेना एक दूसरे को है ससुर जी क्या है मुझे भी ये ऑप्शन दे देते नजर ना लगे तुझे सुनिए जी जमाना बदल चुका है लड़का लड़की मिलना चाहते हैं इसे भी मिलना है तो मिलने दीजिए ना क्या हुआ जाने दीजिए इसे मिलने का टाइम फिक्स कर ले हाँ। चा। चाहे तुम लड़कियों के साथ पूरी उम्र भी गुजार लो लेकिन उनका असली नेचर नहीं जान पाओगे हिट विकेट क्लीन बॉल भी वो तो बहुत साल पहले हो चुका हूँ चलो फाइटिंग करते हैं नो चीटिंग हे कौन चना दूंगी एक घुमा के टाइम्स अप सुनो क्या पटाका थी ना दिल में चिंगारी भी उठी ना गुलशन में गुल खिले स्विट्जरलैंड जैसी लोकेशन पर रोमांटिक गाना गाया या ठेले पर गोलगप्पे ही खाए ना गाना ना गोलगप्पे वो मेरी टाइप की नहीं है ए, मुझे बुद्धू बना रहा है ना दीदी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ बला की खूबसूरत आउट ऑफ द वर्ल्ड इस घर की परफेक्ट बहू बनेगी वो मेरी डार्लिंग का नाम स्वीटी है और पापा को कन्विंस करना आपकी ड्यूटी है पापा को? हाँ जैसे बचपन में करते थे पापा आ रहे चुप दीदी पापा को बोलो ना पापा हाँ क्या कार्तिक कार्तिक क्या कार्तिक मैथ्स में फेल हो गया ओनली वन सब्जेक्ट सॉरी पापा क्या है बेटा झाड़ू साफ कर रही हो क्या हुआ क्या हुआ कार्तिक 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 साइंस में भी फेल हो गया ओनली साइंस एंड मैथ हाँ अब क्या हुआ कार्तिक कार्तिक मैं बताऊं ऑल सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है ना एग्जैक्टली तेरी बहन को सुरक्षा कवच बना के भेजा है भगवान ने हाँ डॉक्टर मेरी बात ध्यान से सुनो कार्तिक चाहे कितनी भी रात हो जाए तुम स्वीटी के ऑफिस के बाहर ही रुकना ओके ठीक है मुझे यकीन है उसे तुम पर तरस आ जाएगा और फिर वो तुम्हें वो तीन मैजिकल वर्ड्स कह देगी हेलो हेलो स्वीटी हेलो कार्तिक 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ यार आई एम सो सॉरी कार्तिक मैं बहुत बिजी हूँ यार स्वीटी शी इज वेरी बिजी राइट नाउ बाय कार्तिक बाय बाय कार्तिक बाय थैंक्स कार्तिक बाय अरे जल्दी आओ यार अब तो बार भी बंद होने वाले हैं कार्तिक सॉरी यार मुझे बहुत देर हो गई स्वीटी अगर बता देती तो सुबह ही आता ना आई एम रियली सॉरी यार अच्छा तो मुझे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज हे फ्रेंड्स दोस्ती का दूसरा नाम हेल्प होता है तुम दोनों स्वीटी को पटाने में मेरी हेल्प करो ना तू फ्रेंड है हैं मुझसे बदला ले रहा यही दोस्ती है आइडिया का झुंझुना बजा ए, शालू के पास है इस बार प्लान हम बनाएं और एग्जीक्यूट ये करेंगे
लेकिन कैसे? हाउ प्लान नहीं, वाओ। वाओ। इसकी वेडिंग पार्टी में वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होगी, उसे ऑर्डर मैं दूंगी। अगर पहचान लिया तो? तू मुंह बंद रखेगा तो? उसे पता नहीं चलेगा। और फिर स्वीटी तुमसे हेल्प मांगेगी। ओके, उसके बाद? तेरी सेटिंग। उसके बाद तुम और वो एक कमरे में। यस। ए लव यू माय अनमोल रतन। ओके चीयर्स। हाय 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 स्वीटी। हे कार्तिक, हाय। आई एम सो हैप्पी टुडे, बता नहीं सकती। गेस करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, करता हूँ ना। जरूर कोई अच्छा डिजाइनिंग प्रोजेक्ट मिला होगा। हे बिल्कुल सही, कैसे पता लगाया? अंधेरे में तीन बार। अच्छा छोड़िए, बात मिल के बात करते हैं। सॉरी स्वीटी, आज थोड़ा बिजी हूँ यार। व्हाट बिजी? नो बहाना, गेट अप एंड कम आउट। ठीक है, आता हूँ। सी यू, बाय बाय। अरे वाह, बड़ा बिल फटने वाला है। क्लाइंट का नाम क्या है? शालू है। हे, तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली मैं और शालू फैमिली फ्रेंड्स हैं। मेरे रिश्ते की बात चली थी याद है? वो शालू ही थी। उसने रिजेक्ट क्यों किया आज तक नहीं समझ पाया। अच्छा कार्तिक, हाय शालू। स्वीटी हाय। हाय, कांग्रेचुलेशंस। हे शालू प्लीज, शादी वाला किस्सा मत छेड़ना। अरे ऐसे क्या बैठे हुए हो, कुछ खिलाओ पिलाओ यार। जाओ दो कॉफी लेकर आओ। हाँ कॉफी, जाओ गो। पता नहीं मेरे जैसे और कितने उल्लू फंसे। हाय, मैं जैसा डिजाइन करती हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। अच्छा, तुमसे एक बात कहूँ? लाइफ में मेरे बहुत सारे सपने हैं और आज मैं तुमसे वो शेयर कर रही हूँ। ट्राई बोथ। हाँ ओके। हे, अच्छी लड़कियाँ ताक झांक नहीं करती। शालू, तुमने कार्तिक को रिजेक्ट क्यों किया? उसने ऐसा कहा क्या? एक्चुअली उसने मुझे रिजेक्ट किया था। व्हाट? और मुझे लगता है कि वो किसी से प्यार करता है। रियली कार्तिक? वन सेकंड। अच्छा सुनो शालू। हेलो। नहीं बहुत हो गया। वो ना, इसमें डाल, बहुत जिद्दी है। ये ले, ये ले, इसमें भी डालो, भी डाल। चीयर्स। शालू। हाय हाय। जहां भी जाओ ट्रैफिक जाम। ए शालू, ए वहां देखो, अपनी शालू है, उस कार्तिक के साथ दांत फाड़ के हंस रही है। कार्तिक, अरे होने वाला दामाद है, लेट देम एंजॉय। हमारी उम्र में ये सब थोड़ी करेंगे वो लोग। उम्र के साथ सटे आ गए हो क्या? हमारी बेटी है वो शालू। हे, तुम भी कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो? एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, मेड फॉर ईच अदर है। मेड नहीं, मैड हो तुम। देखो ग्रीन सिग्नल है। हाँ, देख चलो चलो, गुड साइन है। उससे लव कन्फेस करना चाहते हो? हाँ करना है। अब अंदर जाओ, उसका हाथ पकड़ो, आंखों में आंखें डालो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ओके जाओ 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 जाओ। हाँ? हाँ? क्या हुआ? नथिंग नथिंग, शॉपिंग चालू रखो। नाइस सिलेक्शन। क्या यार शालू, एकदम ही डम्बो आइडिया था। आइडिया नहीं, परफॉर्मेंस डम्बो था। मेरा आइडिया तो इतना अच्छा था। अच्छा? कि दुनिया की कोई भी लड़की हो ना पट जाएगी। मैं उसके पास गया, उसका हाथ भी थामा, पूरा दम लगा के पकड़ा, जैसे तुमने कहा उसकी आंखों में भी झांका, वो उचक के पलटी। बस उसके बाद तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। कार्तिक। और मुझे पहली बार शालू की आंखों में कुछ बेचैनी सी दिखी। और फिर आई प्रभु की वेडिंग पार्टी। अच्छा।
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। ऐसी स्टोरी तो मैंने लाइफ में नहीं सुनी। डॉक्टर, मेरी लव स्टोरी सुनके आप दुखी हो गए? क्या कहा? लव स्टोरी? लव स्टोरी नहीं, कचरा स्टोरी। लोग थूकेंगे मुझ पे। तो फिर आप रोए क्यों? मिर्ची बहुत ज्यादा है, आंखों में पानी आ गया। बकवास मिर्ची, और उससे भी बकवास तेरी कहानी है। तो मेरी साइकोलॉजी कहती है कि डॉक्टर, आंखें बंद करता हूँ स्वीटी नजर आती है, आंखें खोलता हूँ तो शालू दिखती है। आंख में कोयला डाल कुछ और दिखेगा। सांप सीढ़ी, लूडो खेल रहा है क्या? कितनी लड़कियों के प्यार में गिरा है? माँ कसम और कोई नहीं। अरे चुप रहे, झूठी कसम खाएगा तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। चला आ जा, सो जा। कमान अरे तुझे मसाज पार्लर लग रहा है क्या? सीधा हो जा। मेरी इस टेक्निक से तू सब कुछ भूल जाएगा और सच बोलेगा। इस पर फोकस कर, गो इनटू डीप स्लीप, जवानी से रिवर्स मार और बचपन में जाके ब्रेक मार। सो जा, घोड़े बेच के सो जा, गहरी नींद में। कुएं से भी गहरी नींद में सो जा, सो जा सो जा मुन्ना सो जा, 10 बोतल पीने के बाद सोया वैसे सो जा। मिस्टर कार्तिक, अभी बता तू कहाँ है? क्लिनिक में है? अभी तक सोया नहीं है? लाई डाउन, लेट ना, आंखें खोल के ये चश्मे में देखते रहे। अब तो गहरी नींद में सोएगा, गहरी नींद में सोएगा। सो गया, सो गया। मेरी फॉरेन से लाई हुई टॉप डिग्री आज फेल हो गई और चोर बाजार का 50 रुपए का चश्मा काम कर रहा है। छे। ओके मिस्टर कार्तिक, दिल पे हाथ रख के बोल, दोनों में से किसके लिए सच्चा वाला प्यार है? दिल में तो बस शालू थी। ओके। वो मुझे फर्स्ट साइट में भा गई थी। बहुत लाइक करता था मैं उसे, बार बार मिलने का मन करता था। और फिर एक दिन। हाय स्वीटी। अरे कहा था ना आधा घंटा और देर होगी। ओके नो प्रॉब्लम, आई वेट, मैं यही हूँ। हेलो शालू। हेलो कार्तिक, बिजी हो क्या? नहीं तो मैं एकदम फ्री हूँ। कार्तिक क्या कह रहे हो? हेलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हेलो शालू, लगा जैसे तुम मेरे सामने ही हो। क्या क्या कह रहे हो? हेलो, अभी कहाँ तुम? हाय, मैं वहां पर हूँ।
क्या विश मांगी तुमने? बताने पे पूरी नहीं होती। तूने लाल गुलाब देखा तो तेरे को प्यार हो गया, अगर काली बिल्ली देखता तो तेरे को क्या होता? बोलना बोलना। जिंदा की मर गया? जिंदा है ना? धीरे धीरे मैं स्वीटी को अवॉइड करने लगा, लेकिन एक दिन आधी नींद में गलती से मैंने उसका कॉल उठा लिया। हाय स्वीटी। थोड़ा सा वेट करने के लिए मैंने कहा था, हाँ कह के भी नहीं रुके, फोन भी नहीं उठाया, इतना भी क्या गुस्सा यार। मुझे कुछ कहना है। 2000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर आज बिल्कुल वीरान है। स्वीटी नाम की लड़की बिल्कुल अकेली है, तो उसे कंपनी देने आ जाओ। रुको स्वीटी, तुमसे कुछ बात करनी है। मिलते हैं आज 7:30 बजे। See you. शालू, शालू, यार मैं 3 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज शालू मुझे कॉल बैक करो ना, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। क्या कहा? शालू से भी प्यार हो गया? कसम से यार, सिर्फ और सिर्फ शालू से लव है। तो फिर स्वीटी? देख उसी का कॉल है। 2 सिम वाला फोन। उस रात मैं स्वीटी के घर पहुंचा तो उसको शालू के बारे में सब कुछ बताना था, लेकिन स्वीटी, 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 अंदर आओ कार्तिक। स्वीटी, क्या हुआ, बिजली का बिल नहीं भरा क्या? बिल तो भरा है, बस दिल नहीं भरा है। कम अरे वाह, जम के डिनर किया होगा। क्या कर रही हो स्वीटी? दूर हटो स्वीटी। नहीं स्वीटी, नहीं स्वीटी, ऐसा मत करो। नो स्वीटी, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। पौधा खिलाने के लिए उसमें पानी डालना पड़ेगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ वहाँ। हाँ पता है, सेंसर में कट हो जाता है, बस ऐसे ही गाना गा रहा था। अरे फिर से उठ गया, कहानी चालू रख। बोल बेटा, रात की तन्हाई में अंगड़ाई की बात। ब्रावो, 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 स्वीटी, योर सिलेक्शन इज वेरी क्यूटी। हे यंग मैन, हाउ आर यू? कम हियर माय चाइल्ड, तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक। बिना टेस्ट के ये पास हो गया बेटा। कार्तिक? मुझे तो जानते हो ना, साउथ का ब्राह्मण हूँ, मेरी वाइफ मारवाड़ी फ्रॉम राजस्थान। मेरा नाम जानने में इंटरेस्ट है तुम्हें? आई एम मिस्टर प्रभाकरन द ग्रेट कैप्टन। कैप्टन, आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हर बात मानता हूँ जो तूने बताई। ए जाल में फंसने वाले सूखी मछली की शक्ल वाला जहाज का कैप्टन है, बात गले ही नहीं उतरती, ये तो फेकोलॉजी है। डॉक्टर, कौवा कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन अंडे तो सफेद ही देता है ना, सेम केस हियर। मानता हूँ कि अंडा सफेद होगा, पर अंदर से बच्चा काला ही निकलेगा कार्तिक, काला ही। कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक, काफी बिजी हो तुम? नहीं ऐसी बात नहीं है। पता है मैं 6-6 महीने तक पानी में रहता हूँ, बिकॉज मैं नेवी में था। माई वाइफ पूरा टाइम हवा में रहती है, बिकॉज शी इज अ पायलट। स्वीटी, मिठाई लेकर आओ। बेटे, मीठे मीठे लड्डू का मजा लो। बेटी, लड्डू अपने हाथों से इसे खिलाओ। उठाओ उठाओ, देसी घी के हैं, खाओ, ताकत बनाओ, डोले शोले खाओ। कार्तिक, कार्तिक वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। ओके, मैं आता हूँ। अच्छा कार्तिक, ड्रिंक करते हो ना?
नहीं सर। तुम्हें क्या हो गया है कार्तिक, ड्रिंक के लिए मना कर रहे हो? ए, इसकी सारी बुरी आदतें ऑलरेडी जानती हो। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, रेड वाइन, गुड फॉर हार्ट, वन पेग ओनली। ओके, बस बस सर, सर बस काफी, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे लिए नहीं बनाया। चीयर्स। चीयर्स। दस चालीस का लोकल प्लेन आ गया, अब मेरी वाइफ भी लैंड करेगी। बेटी, मम्मी का मैसेज आ गया, अब मैं एयरपोर्ट जाके उसे पिकअप करके आता हूँ। इसे संभाल कर रखना, ठीक है? ओके पापा। ए ड्राइवर। अच्छे एक्टर हो कार्तिक, मुझे ना पसंद करने की पूरी एक्टिंग कर रहे हो। याद है वैलेंटाइंस डे वाले दिन मुझे तुम प्रपोज करने आए थे ना? मैं उसी वक्त जान गई थी, तुम्हें वेट करवाया, एज आई वांटेड टू डू इट माय वे। तो आई लव यू कार्तिक। माँ, खाना खा लिया माँ? पी के आए हो? नहीं तो पापा। बैठो। बैठ ना। इसे देखकर तो केशव मुखर्जी याद आ रहा है। किस्मत फूटी मेरी। जी। शालू आई थी। क्या शालू आई थी? पूरी बात सुनो। इतने आदर के साथ हमें बुलाया और हमने मना कर दिया। पापा, जब मम्मी को देखने गए थे तो आपको उनमें क्या अच्छा लगा था? बेमानी सवाल है, देखते ही फायदा हो गया। लव की निशानी तुम दोनों हो। पहले जवाब से ही समझ आ जाता। आप बताओ, आप मुझे देखने आए थे तो आपको क्या अच्छा लगा था? तुम्हारा घर। हाँ? घर में रहने वाले लोग पसंद आए। आपको मैं भी अच्छी लगी थी ना? हमने जिनसे प्यार किया उन्हीं के साथ हम रह रहे हैं ना? तो कार्तिक को भी ये हक मिलना चाहिए ना? हाँ। पापा, कार्तिक शालू को पसंद नहीं करता है। एक बेटी की शादी करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपकी बेटी हीरा है, पता नहीं उसने क्यों मना कर दिया। बच्चे अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, समझदार हैं, हम अपना निर्णय उन पे नहीं थोप सकते। बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हैं, सच्चे मन से आपसे माफी मांगने आए हैं ताकि। आपकी दुविधा समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन अपनी मासूम बेटी को कैसे समझाऊं? क्यों रे कार्तिक, तूने कहा था हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा और अब इतनी अच्छी लड़की को तूने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसी कोई क्या कारण है पता नहीं। माँ, बात मत कर मुझसे। सॉरी माँ। सुनो, मम्मी इमोशनली अपसेट हैं, शादी तुम्हें करनी है, हम आशीर्वाद दे देंगे, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, सोच समझ कर फैसला करना। गुड नाइट। सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, एक चाय की जरूरत है, तू भी मेरे साथ पिएगा क्या? इश्क के बारे में मत पूछो, वो बिल्कुल इस चाय के गिलास की तरह है, और लड़कियां इसके अंदर की कड़क चाय है, और लड़के इस मीठे बिस्किट की तरह। तो गर्मा गर्म चाय और उसमें बिस्किट मिलाया जाए तो क्या होगा? बिस्किट का हाल बेहाल। एक बात याद रखना, ट्रूथ अबाउट द गर्ल्स, लड़कियों से कभी सवाल नहीं करने का। आज दुपट्टा क्यों नहीं पहना? छोटी बहन का नाम क्या है? शादी कब करने वाली हो?
और उसकी उम्र कितनी है। अगर ये पूछते हैं तो तुम्हारी उम्र घटने के फुल चांसेस हैं। सुखी जीवन जीने का एक ही मूल मंत्र देता हूँ, बिगड़ेल गाय के सामने जाओगे तो उसके सींगों में अटक जाओगे। मुर्गी को पकड़ना या लड़की को पकड़ना बला की आफत है, इंसान को टकला कर देती है। ये आया कैसे नवा मुर्गा, ये बैल है, देखते हैं। सी यू। घंटों के एग्जामिनेशन के बाद एक ही नतीजे पे पहुंचा। वो क्या डॉक्टर? कि तू लाइफ में सच नहीं बोला, झूठ का एटीएम है, तेरा हट के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अरे फटी हुई चड्डी सर। हाँ ला इधर रख दे, ये बाल केनिया में जाके कटा था। अरे कहीं रहना, ये ले गरम है। ये क्या है डॉक्टर? ये है मिकी मिनिटॉप मिक्सचर टॉनिक। एक विद्वान डॉक्टर ने कहा है कि ये पीने से हर मरीज ठीक हो जाता है। कौन विद्वान डॉक्टर? डॉक्टर की पीठ मेरी तरफ थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। क्या झिंगर जैसे सवाल पूछता है, तेरे हाथ में दिया ना, एक बार में घटक जा। कमान पीजा पीजा, बेवड़े जैसा लुक आना चाहिए। आहा खलबली मची ना, एक नंबर। दोनों आंखों के शटर फड़फड़ाने लगे ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तू जा रहा है सपनों की दुनिया में, जहाँ सच की नदियाँ बहती है। हकीकत बता, कौन ज्यादा प्यारी है, शालू या स्वीटी? कमॉन जबान पे सच आ गया है, बोल दे बोल दे, बोल ना बोल दे बोल बोल बोल। Hey guys, are you ready? Let's take. डॉक्टर डॉक्टर मैं आ गया। तू सो रहा था ना, तो चाय पी के आ गया। बता किसके साथ डांस किया, शालू थी या स्वीटी थी? इनमें से किसी के साथ नहीं, एक हॉट मॉडल के साथ। वाहियात निर्लज बेशरम बेहया। डॉक्टर एक फिजियोलॉजी का सवाल पूछूं? एग्जाम ले रहा है, चल पूछ। लवर्स हूँ या हस्बैंड वाइफ हूँ या फिर किसी भी जोड़े को ले लो, औरतें दबा के शॉपिंग करती हैं और बिल आदमी भरते हैं। शॉर्ट फिल्म की तरह शॉर्ट में समझाना, 3 घंटे की आर्ट फिल्म की तरह खींच क्यों रहा है? पता है आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, 50% सेल की एक एड देखी, मैं जानता था शालू वहाँ लाइन में जरूर खड़ी होगी। उसे कंजूस समझता है क्या? नहीं पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग आई। सेल कमजोर नब्ज है। शालू सॉरी शालू, अकेले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार्तिक बिजी हूँ, टाइम नहीं है। प्लीज प्लीज शालू मान जाओ ना, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं और चलते ना शालू, प्लीज मान जाओ प्लीज शालू। देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहो क्या कहना है? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ओके, मैं जाती हूँ। शालू रुको, बैठो। किस बात पे गुस्सा हो तुम मुझसे? हाँ इस कंफ्यूजन का जिम्मेदार मैं हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि अब तो सब कुछ साफ हो गया। तुम्हारी फैमिली इतनी रूड हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? जा क्या इन्होंने? बेटा मैं अरे मेरी बड़बोली दीदी, मेरी दीदी की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये अनफेयर है शालू। रहने दो कार्तिक, बात अब हाथ से निकल चुकी है। उस दिन वहाँ जो कुछ हुआ और मेरे परिवार पर जो बीती ना, अगर तुम वहां होते तो। सर बिल। ओके शालू शादी कर लें क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें भी मुझसे प्यार है जानता हूं। मेरी बात का जवाब दो शालू। ये नॉनसेंस दिमाग से निकाल दो, जा रही हूं मैं। शालू 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 ए रुको रुको सुनो रुको। सॉरी तुम बहुत भारी हो। शालू
क्या क्या है क्या? सॉरी कार्तिक, आई एम सो सॉरी। कार्तिक, कार्तिक क्या है? शादी कर ले क्या? ये नहीं हो सकता कार्तिक। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? Excuse me. जी मैडम। टिश्यू देना। One second मैम। ये लीजिए। Thank you. हे, कुछ देखा तो नहीं? देखा देखा, आंखें फाड़ के देखा। Hello. Yes ma'am. एक और देना। हे, शालू पसंद नहीं थी ना तुम्हें? फिर वो चूमा चाटी? क्या था वो? दीदी, मैं शालू से प्यार करता हूँ। उस दिन स्वीटी का नाम लिया था ना? वो भी सच है। तो फिर आज शालू? हाँ। आज की डेट में सिर्फ शालू ही मेरा लव है। Are you sure, कार्तिक? Excuse me, पूरा टेबल क्लॉथ लाना प्लीज। दीदी, टेबल क्लॉथ क्यों चाहिए? नीचे कुछ गिराया क्या? रायता फैला है फर्श पर। आज पापा से स्वीटी की बात की। सत्यानाश। इतनी रात हो गई और सफाई चालू है। दीदी को यहीं से आदत लगी है। माँ, आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है? माँ, 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 मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना माँ। जा। माँ। हे कार्तिक, आ गया। सुकून का दूसरा नाम है स्वीटी। गजब का नशा है कमाल की ब्यूटी। वाह वाह। ससुर जी। सुपर सिंगिंग दामाद। थैंक यू। एक और स्वीट पैक बनाओ। क्यों नहीं बनाओ। कार्तिक, धोनी को सिक्सर मारते देखा होगा, मुझको भी सिक्सर मारते देखा होगा। कब मारा रे? गली क्रिकेट में। पर असली सिक्सर तो आज तेरी बहन ने मारा। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, इडली हो या डोसा, पोहा या उपमा, कितना खा सकते हैं? लाइफ में फर्स्ट टाइम हम दोनों एक वेवलेंथ पर हैं। बोलो मत, डायलॉग भूल जाऊंगी। हलवा पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी, कभी कभी टेस्ट भी बदलना चाहिए ना। सुन के मुंह में पानी आ गया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, यू कैरी ऑन। कहो तो होटल चलकर खाएं। होटल ही घर आ जाए तो? दिमाग खराब है क्या? पापा, कार्तिक को कुकिंग एक्सपर्ट स्वीटी से लव हो गया। क्या करूं स्वीटी? डियर वाइफ, जितने गली में नहीं उससे ज्यादा यहाँ है। फोन करके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते थे क्या तुम लोग? इतने डॉगीज हैं। लड़की के पापा शिप पर कैप्टन हैं। अपने पीछे ये डॉगीज रखवाले के लिए रखे होंगे ना? अलका, शोर यही घर है। प्लॉट नंबर तो करेक्ट है। धामा जी, पहले आप जाइए, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ, डॉगीज को हड्डी पसंद है, ये दिखते भी वैसे हैं। हे, एक साथ अटैक करेंगे। ए, क्रिकेट आईपीएल नहीं है। हे, बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा, आउट कर दिया। सर, एक्सक्यूज मी। सर, हेलो। ये क्या, डोनेशन मांगने पूरी फैमिली एक साथ आ गई? बच्चे डर जाएंगे। चलो आगे, चलो आगे जाओ, आगे जाओ। कार्तिक ने इज्जत का कचरा कर दिया।
कार्तिक ने डोनेशन के लिए भेजा है। नहीं सर, हम लड़के देखने आए हैं। अरे गलती हो गया रे बाप रे। आइए आइए आइए। अरे दरवाजा है ना, कूदने की जरूरत नहीं है, कहीं कुत्तों ने देख लिया तो काट लेंगे। हमेशा चढ़ने की जल्दी होती है। अंदर आइए प्लीज। नमस्ते 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 नमस्ते। आप स्पिन बॉलर है क्या? आपको कैसे पता चला? बहुत विकेट लिए होंगे, देखिए तो आपका फेस कट ही मुरलीधरन जैसा है एकदम। बस एक फर्क है, वो थोड़ा सा काला है, ये जरा गोरे हैं। मेरा बेटा कार्तिक। He is such a cute boy. कार्तिक और स्वीटी पहली बार अंदर रूम में मिले और उसी वक्त पावर चला गया। मतलब यहाँ डिनर ब्रेकफास्ट भी करके गया क्या? ये क्या खुशी कर रही है? बोल रहे हैं कि कार्तिक ब्रेकफास्ट करके गया, तीन वक्त का खाना खा के गया। हाँ समझ नहीं आ रहा बात को किस तरह शुरू करूं। अरे कॉफी पे बड़ी बड़ी चर्चा होती है। ब्यूटी कॉफी लेके आना। ब्यूटी ब्यूटी चुप। वाह कार्तिक की सिलेक्शन तो सुपर से ऊपर है। लीजिए ना। ओ स्वीटी नहीं, उसकी माँ है। हेलो आंटी। हेलो। कड़क कॉफी पीते हैं ना? लीजिए। हेलो, आप भी लीजिए। थैंक यू। कॉफी? हाँ तो बताइए। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। मैं एक वकील हूँ और जाति धर्म मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। अच्छी बात है। मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ उसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है। क्या कहती है? बिल्कुल, थोड़े धार्मिक है हम, पूजा पाठ करने वाले। आपकी स्वीटी भी विश्वास? भगवान में विश्वास? स्वीटी बहुत ही गॉड फियरिंग लड़की है। आज फ्राइडे है ना, वो मौन व्रत धारण करती है, गलती से भी मुंह नहीं खोलेगी, है ना? हाँ जी। स्वीटी बेटा मैं बुला के आओ उसे। आशीर्वाद ले लो। हमेशा खुश रहो बेटा। इनसे इनसे भी ले। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सुखी रहो, बैठ जाओ। शादी से पहले तुम भी मेरे पैर छूती थी, अब उल्टा मुझसे ही रात भर पैर दबाती हो। कार्तिक की किस्मत अच्छी है। ये इतना शरीफ भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। करेक्ट ससुर जी। अपने पापा के सामने शर्मा रहा है। करेक्ट ससुर जी। वो लड़की किसी फिल्म की हीरोइन लगती है। मॉडल मावेक है। और वो उनकी फैमिली क्या संस्कारी लोग हैं। सही कहा ससुर जी। ऐसा अच्छा रिश्ता तो हम चिराग लेके भी नहीं ढूंढ सकते थे। लाखों में एक रिश्ता है, जोरी की नजर है, मेरी तरह नहीं है। क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं है। क्या है? उस लड़की के पापा सुपर। आप अच्छे इंसान को अपना रिश्तेदार बनाना चाहेंगे जैसे मुझे, तो उन्हें भी अपने साथ रहने के लिए बुलवा लो। क्या बात की है। कितनी जल्दी बातों में आ जाते हैं। नकली शराब भट्टी पे चढ़ाई थी कि पुलिस ने आकर रेड मार दी, वही हालात है। Hi, sweetie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kartik. And make sure कि तुम्हारा किसी और के साथ कोई प्रोग्राम ना हो के कहीं बाहर घूमने जाएंगे। और शाम के लिए पापा ने कुछ प्लान बनाया। नहीं, आज नहीं मिल पाऊंगा, थोड़ा बिजी हूँ स्वीटी। Hey, no excuses, Kartik. आज जो मैं प्लान करूंगी तुम्हें वही करना होगा। सॉरी एक मिनट स्वीटी, जस्ट होल्ड। ओके शालू। हे कार्तिक। हाय शालू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शालू। हेलो। तुम मुझे कॉल करोगी, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा शाम को क्या करें? मैं एकदम फ्री। नहीं कार्तिक, मिल नहीं सकते। कार्तिक, नॉट पॉसिबल। शालू, बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था मैंने। शालू, स्वीटी और तुम खुश रहना। शालू शालू रुको। आज का भविष्य कन्या राशि वालों के लिए। भले ही आपकी राशि कन्या हो लेकिन कन्याओं से मत उलझिए, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। अभी तक जितना भी आपने बर्दाश्त किया है वो किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह थे। लाइफ में अब जो तूफान आने वाला है वो किसी 3D ट्रेजेडी फिल्म जैसी होगी, पूरे इफेक्ट्स के साथ। सिर फोड़ने का मन करेगा।
शालू, शालू यहाँ आओ बेटा। क्या हो गया? वो स्कूटी खराब हो गई है। अच्छा कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो इट्स ओके। अरे नो फॉर्मेलिटीज, बारिश रुकने वाली नहीं है, अंदर आओ। रहने दीजिए ना अंकल, मुझे बारिश अच्छी लगती है, खासकर बिन मौसम हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है, तो इट्स ओके। बच्चों के जैसे जिद मत करो बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, हमारी भी गलती थी, उसे मन में लेकर मत बैठो। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आ जाओ। ओके। शालू बेटा, अभी भी तुम हमसे नाराज हो? नहीं अंकल। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है अंकल। वैसे कार्तिक दिल का बुरा नहीं है बेटा, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। जाने अनजाने तुम्हें दुख दिया है, इसके लिए सॉरी। कहीं और छोड़ना हो तो बोलो बेटा। नहीं अंकल, घर ही जा रही हूँ। एक काम करें, चलो मेरे घर चलते हैं, थोड़ी कॉफी ऑफी पीते हैं, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे बच्चों जैसी जिद मत करो, घर रास्ते में ही तो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जाने दो, मुझे खेलना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बारिश, बाढ़ या सुनामी आए मैं जाऊंगा। तो जाके मरो। मां नहीं रहे तो क्या करूं? मां बोल दो मुझे। ये लो। थैंक यू। बीमार हो जाएंगे ना, तभी अकल आ जाएगी। अच्छा मेरी लड़की को छोड़ो इस कमरे से। मैं नहीं आऊंगा, उसे लड़की कहती हो? मुझे टॉर्चर करने वाली चुड़ैल को जन्म दिया है। हेलो ससुर जी। क्या दामाद जी, बच्चे की तरह बारिश में खेल रहे हो? बड़े खिलाड़ी पागल होते हैं। शालू गीला फर्श बेटा, संभाल के आओ, आ जाओ। ससुर जी ने इसे लिफ्ट दिया, कहीं लोचा ना हो जाए। लेट्स वेट एंड वॉच। पूरी तरह भीग गई हो बेटा। अरे इसकी स्कूटी खराब हो गई थी। अच्छा। ये तो शालू है। कार्तिक दरवाजा खोलो। कार्तिक दरवाजा खोलो जल्दी, क्या कर रहे हो? कार्तिक दरवाजा खोलो। सॉरी, कहां आग लग गई? कार्तिक बाहर एक धमाकेदार सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो तो हर बर्थडे को देती है। इस बार हटके है। पापा भीग के बारिश में गिफ्ट लाए। छी छी, पापा बारिश में भीगा हुआ गिफ्ट लेकर आए हैं। मेरे साथ चलना, चल चल जल्दी चल। मम्मी पापा सब ठीक है ना? तुम्हारी दादी तो मैच देख रही होंगी ना? सास बहू और सौतन का गेम चालू होने वाला है। बैट्समैन कहाँ रह गया? तुम साइड में आओ। हैप्पी बर्थडे साले साहब। थैंक्स। अभी जो कुछ तुम देखोगे उससे सरप्राइज होने वाले हो या फिर शॉक हो जाओगे। जो भी हो उसे कॉम्प्लिकेट मत करना, बस सिंप्लीफाई कर दे। और कंफ्यूज मत करो, जल्दी बताओ ना, देख के समझ आ जाएगा। गो जाओ, जाओ। गो 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 गो। अरे कार्तिक, तुम थर्ड अंपायर हो क्या? वो नौसिखिया प्लेयर है, इतना क्रिटिकल मैच है, वो अकेले नहीं खेल पाएगा, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ बेटा। पापा बैठो ना, बातें करो। हेलो, वन मिनट। ससुर जी ने गूगली बॉल फेंकी है, एक्सपीरियंस। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आती हूँ। अरे बाप रे, मम्मी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। तो क्या वो उन्हें अपने साथ किचन ले जाएंगी? ए, क्या कर रही हो तुम, टेंशन में पूरा घर पहुंच डालोगी। नहीं रुक सकती, उधर देखिए ना। हैप्पी बर्थडे। कार्तिक चुप रहो। हाथ क्यों पकड़ा उसने? सच में पकड़ लिया। चलो। इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? वो भी मसालेदार खिचड़ी। चलो चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। कार्तिक ये भी प्लेयर है क्या? कार्तिक चलो। कार्तिक बर्थडे बॉय। अरे पास बैठो ना। कहाँ छुपे हुए हो? आंटी कार्तिक कहाँ है? हे शालू। हे बर्थडे बॉय, बहुत बिजी हो गए हो, फुल एटीट्यूड। हां एक्चुअली सचिन तेंदुलकर इज अमेजिंग प्लेयर। तुम कार्तिक के लिए दुआ मांगने मंदिर गई थी ना? हां आंटी। इन्होंने तो कोरस में हाँ कह दिया। हाँ, बड़ा सुरीला हाँ था ना।
लो बेटा। थैंक यू। थैंक यू। तेरी नहीं है, तेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी। माँ, एक्चुअली यू नो महेंद्र सिंह धोनी, उसने सेंचुरी बनाई है ना। आंटी, आपने जो भभूति का तिलक लगाया है मिटा रही हूँ। पहले तिलक को ओवर रूल किया। तिलक छोड़ो, उसके हाथ को देखो। What a catch! स्वीटी, मैं चलती हूँ। ओके। लाइन चल। मैच का दी एंड हो गया। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हम कुछ भी सोचे पर ईश्वर का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। पहले पता होता दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बिना देरी किए शादी करवा देते। अब हमने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। जरा उधर देखिए। कितने खुश हैं दोनों, एकदम परफेक्ट जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, मैं चलती हूँ आंटी। इतनी जल्दी भी क्या है? नो वे, आज कार्तिक का बर्थडे है। इनके हाथों का गुलाब जामुन नहीं खाओगे? कम कम। नेक्स्ट मैच का वेन्यू डाइनिंग टेबल है। मामा, गुलाब जामुन खाने आ जाओ। हम भी एंट्री मारते हैं। स्वीटी का तिलक हटा दिया। हैट्रिक ना हो जाए। और दो इसे। लो बेटा। बस बस आंटी। आपको दूं? नहीं नहीं, मुझे बस। आंटी, गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू बहू। लो पानी पियो। पानी पियो मामा। पापा, हाँ? मैं जरा शालू को घर छोड़ के आता हूँ। कार्तिक, इट्स योर बर्थडे, तुम घर पे रहो। शालू, व्हाई डोंट यू कम विद मी? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। ओके, गुड। यू नो आजकल मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कार्तिक है। उसने कितनी मेहनत की मुझे इम्प्रेस करने की। यू नो व्हाट शालू, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार उसी से करती हूँ। जब से वो मेरा बॉयफ्रेंड बना है, मैं तो उसकी दीवानी हो गई हूँ। हे मेलमैन, कार्तिक बिल्कुल क्रेजी है, पूरे बच्चे का दिल है। जब भी मेलवैन क्रॉस करती है ना, प्रेस शुरू कर देता है। हे तुम भी शालू? ओह गॉड। हे कार्तिक के बर्थडे के लिए पापा ने आज एक पार्टी अरेंज की है। हम कार्तिक को सरप्राइज देने वाले हैं, और तुम्हें भी आना है शालू। ये पॉसिबल नहीं है स्वीटी, एक फैमिली फंक्शन है किसी और सिटी में। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तुम देख लोगे? बस स्वीटी, बस वही लेफ्ट में रोक देना। यहाँ? हाँ। ओके। बाय, टेक केयर। ओके शालू, बाय, टेक केयर। कार्तिक, ये मेरा फर्स्ट ब्रदर है, ये मेरा मिडिल ब्रदर है, और ये मेरा लास्ट ब्रदर है। तीनों के तीनों फॉरेन में सेटल हैं, लेकिन मैं पूरी तरह इंडियन, इंडियन नेवी कैप्टन। अगर मैं फिल्म प्रोड्यूसर होता ना, तो अपनी फिल्म में तुम्हें हीरो लेता। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते स्वीटी, इसे तो तुम जानते ही हो। और ये मेरे NRI भाइयों की फिरंगी बीवियां हैं। इनकी एक छोटी सी फरमाइश है कि तुम और स्वीटी डांस करो, इनके लिए यादगार नजारा होगा। NRI रिक्वेस्ट है, प्लीज। Let's dance. Yeah.
हाय कैप्टन। हाय। कम कम हैव अ शूट। कमाल की चीज है, एक बार असर हुआ तो हार्ट बीट डबल हो जाएगी और दिमाग ट्रिपल स्पीड से दौड़ेगा। दिल में दबी बातें बाहर निकल जाएंगी। देखते जाओ, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। Yeah, now you are really celebrating. पापा, उस रात जाने अनजाने मैंने स्वीटी को बहुत हर्ट किया। तूने और कैप्टन क्रूक ने क्या क्या कांड किए? चलो लगता चलो, है कोई गाड़ी पीकर चला रहा है, रोको उसे। क्या सब? उलेले, अरे लगता है यहाँ कोई लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा है। कौन है कैप्टन? ए रोको, ए नीचे उतरो, जल्दी 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 उतरो। पीके गाड़ी चला रहे हो? हाँ, एक स्मॉल वाला। ऐसा मैंने पूछा क्या? अपना नाम बताओ। प्रभाकरन द कैप्टन। कैप्टन से ज्यादा तुम मछुआरे दिखाई देते हो, मुंह खोलो, फूंक मारो। ड्रिंक एंड ड्राइव, नो लाइसेंस। तुम दोनों ही नशे में धुत होकर किसी बार से आ रहे हो, कार को यहीं छोड़ दो और यहाँ से पैदल जाओ। यह हुआ हूँ मान लिया, लाइसेंस भी नहीं है पता है। और क्या? पर इसका मेरी प्यारी बसंती से क्या लेना देना है? ए कैप्टन, मैं जो मांगू वो दोगे ना? पूरी दुनिया तेरे नाम लिखूंगा, बोल तो। 1, 2, 3 कार की रखवाली के लिए एक वॉचमैन अपॉइंट करो, और सर अगर कार को कुछ हुआ तो उसकी तनख्वाह काटना। ग्रेट आइडिया, सुबह गाड़ी पहुंचा देना और गाड़ी को अच्छे से धोना, चमकदार चमकनी चाहिए। ब्रेक क्यों लगाया? ये तेरा घर नहीं है ना मेरा घर है, फिर यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया? इस घर में रहने वाले मेरे दुश्मनों ने बहुत तकलीफ दी मुझे। Don't call me captain. I told you captain प्रभाकरन। Okay. Sorry captain. Hey, उल्टी उल्टी की तो मैं नहीं साफ करने वाला, कंट्रोल करो। नहीं नहीं। अरे अरे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। Just see. चलो। अरे अरे अरे, वेजिटेरियन हो तो घास खा रहे हो क्या? उठो उठो उठो। अरे शालू। कौन? शालू शालू शालू। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज में बोलो, शालू शालू। लाइट्स जल गई, देखो देखो, अभी भी मुझे बुलाना, हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, हम दोनों एक साथ पिएंगे, फिर मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम मुझे संभालना, ठीक है? हाँ कैप्टन, अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे ना मुझे? पूरी दुनिया तुम्हें दे दूंगा, बोलो तो। थैंक यू कैप्टन। अरे अरे, ये कौन है? इतनी रात में क्या नाटक हो रहा है? ए, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाथ मत लगाओ। जोकर कौन है? आई एम प्रभाकरन, कैप्टन प्रभाकरन। इसकी तो कौन है? रुको नाथन, देखो कार्तिक, तुम्हारे पापा की लिहाज करता हूँ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा देता। अरे पुलिस को तो मेरी कार के पास रखवाली के लिए छोड़ के आया हूँ। तेरी तो नाथन, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, तुम क्या कर रही हो, जाओ अंदर जाओ, जाओ। एक और। ठीक है कार्तिक, तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। चालू डालें। हेलो, लक्ष्मण चित्रा बोल रहा हूँ, चित्रा फैमिली से। ये सब के सब सटे हुए लगते हैं। ससुर जी। ए, ससुर जी क्यों बोल रहा है? क्या यार, ठीक से सुनो, ये मेरे ससुर हैं। अरे सच सच बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? एक अच्छा पोज दो ना। वो चाहिए? पीछे हटो। अच्छा वो, तुम इधर आओ, ये चाहिए। अरे अरे, मुझे यहाँ क्यों लाए? आई हेट यू, मेरे सपने तोड़ दिए तुमने। कैप्टन निकलो निकलो यहाँ से। ससुर जी। क्या है कार्तिक? कार्तिक कार्तिक, क्या यार, आपको पता ही नहीं मैं और आपकी बेटी कितना प्यार करते हैं। कार्तिक क्या कर रहे हो? ए शाल,
लिफ्ट में किस वाला किस्सा नहीं बताया क्या? क्या बोल रही है? कौन सी बात बताओ कि कुछ ऐसे हो? निकालो इसको बाहर, ले जाओ, निकालो बाहर, निकल निकल कार्तिक, बाहर निकल। पापा सारी गलती मेरी है, अच्छी परवरिश नहीं होती तो ये सब नहीं होता, माफ कर देना मुझे। कार में जाकर बैठो बेटा, अब ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस बार माफ कर दो इसे। इस लोफर को। पा, इससे माफी क्यों मांग रहे हो? जा अंदर जाकर बैठ। अच्छा नमस्कार। स्मोक करते हो मैं जानता हूं, बहुत उलझन में हो। बचपन से ही थोड़े कंफ्यूज टाइप के रहे हो तुम, क्या खाना है, क्या खेलना है, स्कूल में सब्जेक्ट सिलेक्शन साइंस लूँ या कॉमर्स। फाइनली मैं ही डिसाइड करता था, इस कॉलेज में जाऊँ या उस कॉलेज में जाऊँ। चॉइस करना तुम्हारे लिए वॉर पे जाने जैसा था कार्तिक। जॉब का सिलेक्शन भी मैंने ही किया, मुझे लगा था कि लड़की भी मेरी ही चॉइस की तुम्हें पसंद आएगी, पर तुमने कहा तुम्हें स्वीटी से प्यार है तो मैं बहुत खुश हुआ। तुमने फैसला लेना सीख लिया, दैट वॉज ए ग्रेट न्यूज़, उसे एक्सेप्ट किया। अब अपनी ही पसंद को नकार दिया, फिर से मन बदल दिया, दो परिवारों को हट किया है तुमने, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया। अगर मेरी बेटी के साथ कोई ये करता, उनसे कहीं ज्यादा बुरी तरह पेश आता मैं। वो फैमिली बहुत ही जेन्युइन है, उन्होंने तुम्हें जाने दिया, तुम्हें मारा तो शायद तुम्हें दर्द नहीं हुआ, लेकिन मुझे पीड़ा हुई। शायद तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया मैं कार्तिक, पर अच्छे पापा होने का गर्व हमेशा रहेगा। बट ये तुम्हारी लाइफ है, फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। नहीं कार्तिक, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते, पर स्वीटी तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती है, उसका साथ देना प्लीज, अब मुझे फोन मत करना, बाय। ऐसा मत करो शालू। मूछ रखूं या नहीं? अरे
मैं इतना बुरा इंसान हूँ? ए, चुप रे, जरा सोच। शोरूम में जाते हैं, घंटों मुश्किल के बाद कोई अच्छी सी शर्ट पसंद कर पाते हैं, फिर हम शोरूम के बाहर निकलते हैं, दूसरी दुकान में और अच्छी शर्ट दिखती है। अफसोस होता है कि ये वाली शर्ट मैंने पहले क्यों नहीं खरीदी यार। एक ही टाइम पे स्वीटी और शालू को साथ में बाइक पे बिठाया, तो तू गिल्टी फील क्यों कर रहा है? आंसू पोछ ना, दिल से बच्चा है रे। ठीक दो दिन बाद शालू की शादी हो रही है डॉक्टर, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लिफाफे में 50 रुपया दे दे। मजाक वाली बात नहीं है, कोई अच्छा सा आइडिया दो ना। ए, बचपन से लेकर मरते दम तक भाग दौड़ वाली लाइफ है, दो दिन में लवर से कैसे मिलवाऊं तेरे को? इसीलिए तो तुम्हारे पास आया था। एक मिनट, खोपड़ी का इंजन चलाता हूँ, काश इसकी भी कोई डिग्री होती। ए, स्टॉप, पेट में गैस हो गई है जो यहाँ वहाँ घूम रहा है। मैं सोच रहा हूँ। चलने से आइडिया नहीं आते, घुटने दुखते हैं, तू शांति से बैठ जा, मैं सोचता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डार्विन थियरी आइडिया मिल गया, फुल पावर। क्या? हिंदी फिल्में देखी है कभी? वेलकम वेलकम, अमीरों की शादी देखने आए हो? दूल्हे से मिले कि नहीं? हाईली एजुकेटेड है, बहुत ही जिम्मेदार, सर्व गुण संपन्न, घमंड तो जैसे है ही नहीं। ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं? सही है, लेकिन इसके लिए मेहमानों के इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? निकम्मे हैं सभी, फ्री का खाना खाने आए हैं यहाँ पर। अंकल मेरा एक डाउट है। बिंदास पूछो। खाना ऊपर है या नीचे के फ्लोर पे? वो क्या है कि भुखड़ हैं सभी, चलो भागो। इस जन्म में इनकी शादी नहीं होने वाली। आइए आइए। ओ मंगल, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, लड़की को जल्दी बुलाइए। मुंह क्यों लटका कर रखा है? मंडप में स्माइल करो ना, जाओ। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, लड़के को बुलाइए। अरे लड़का गायब है। ये क्या बकवास कर रही है? एक लेटर लिख के गया है। लेटर? लेटर लिख कर गया है? पर गया कहाँ? अरे नहीं। लक्ष्मी? मेरा सर। लक्ष्मी? क्या हुआ? क्या हुआ? लक्ष्मी? आप ठीक है? क्या हुआ? अचानक क्या हुआ लक्ष्मी? शायद चक्कर आ गया होगा। फिर से एक लेटर। लिखा है डियरेस्ट मम्मी एंड डैडी। इसकी तो हाउ आर यू? ऐसी बेइज्जती हमारी पहली बार नहीं हुई है। ये लड़की भी मुझे पसंद नहीं आई है, सो भाग रहा हूँ। ये क्या कर दिया इसने? इस लड़के ने तो हमारी नाक कटवा दी। सपने में भी नहीं सोचा था कि फिर से ये ऐसा करेगा। अपनी बेटी को कैसे समझाऊंगा? ये खबर सुनकर मेरी वाइफ लो बीपी से बेहोश हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप नेक दिल इंसान हैं, आपको कोई न कोई लड़का मिल जाएगा। यहाँ क्यों आए रे? शांत हो जाओ कार्तिक, जाओ यहाँ से, पहले से ही हम लोग टेंशन में हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक लड़की का मन दूसरी लड़की ही समझ सकती है। हाँ। गलत है, सच ये है कि एक लड़की की फीलिंग्स उसका लवर ज्यादा जान सकता है। कहीं तुम कार्तिक तो नहीं हो? आई एम कार्तिक, शालू से बहुत प्यार करता हूँ। ओ, लव फेलियर। लव कोई एग्जाम नहीं जो पास या फेल होते हैं, लव एक फील है और पूजा है, तपस्या है और फीलिंग है। एक बार उसे महसूस करने लगो, और एक बार उसे महसूस करने लगो तो फिर किसी भी तरह से उसे निकाल नहीं सकते। देखो, एक तरफा प्यार का कोई फायदा नहीं होता। एक पौधे पर कई फूल खिलते हैं, अगर एक फूल गिर भी जाए तो दूसरा खिल जाता है। उस टूटे हुए फूल का क्या, जो फिर से कभी भी डाली से नहीं जुड़ सकता? कभी भी नहीं। प्यार भी वैसा ही है, कोई प्यार को ठुकरा दे तो दोबारा नहीं मिल पाता। उस प्यार की स्थिति उस फूल की तरह है, कुछ नहीं बचता, उसकी कहानी वहीं खत्म। मेरा प्यार भी ठुकराया गया। शालू, इस बदनसीब को कुछ मिला तो सिर्फ रुसवाई और अकेलापन। ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम कहो तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। शालू, मुझे मरने दोगी क्या? मैं भी इंसान हूं, एक सहारे की जरूरत है। मेरा प्यार भी ठुकराया गया शालू।
आपके पास तो ये खरा सोना पहले से ही था, इसे ठुकरा कर जंग खाए लोहे जैसे मेरे बेटे को क्यों अपनाया आपने? आप पूरी बात नहीं जानते हैं। मैं समझ गया, ऐसा अच्छा इंसान तो फिल्मों में भी नहीं मिलता। इससे पहले कि मेरे हाथों मेरे बेटे का मर्डर हो जाए, मैं एक नेक काम करना चाहता हूँ। शालू बेटी, जरा मेरे पास आओ, आओ ना। कार्तिक तुम भी आओ। सच कहूं तो यही राइट चॉइस है। क्या मस्त टाइमिंग थी, सुपरमैन की तरह डैशिंग एंट्री मारी और हीरो की तरह डायलॉग्स बोल दिए। मुझे क्रेडिट मत दो, भगवान जैसे इंसान ने ये आइडिया दिया। आइडिया मिल गया झिंगुर। समझ गया, लड़की किडनैप कर ले। टायर को पंचर करना है तो आगे वाले टायर में क्यों करें, पीछे वाला टायर कर सकते हैं ना। तो मतलब लड़के को किडनैप कर ले, ये हुई ना बात। अरे बाप रे, तुमने उसे किडनैप किया? या कांटे से ही कांटा निकलता है। शालू को समझाने स्वीटी को भेज दे तो। सपने में भी नहीं, कभी भी दो लड़कियों को मिलवाना पेट्रोल पंप पे बीड़ी पीने जैसा है। धड़ाम बम ब्लास्ट, यहाँ पर लूजर वो लड़का है। पहले स्वीटी को उसके पास भेज दो, उसके लिए कंसोलेशन प्राइज। हे वेट वेट, रुको यार, कहीं मरवर ना जाए। सी लेट्स बी प्रैक्टिकल, मेरा बॉयफ्रेंड हो या तेरी फियांसी, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ लिए हैं। या तो देवदास बनने से तो अच्छा है कि किसी और को पटा लेते हैं और ये रोना धोना बंद करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अरे लाइफ शुड मूव ऑन, तुम भी नई छोकरी फंसा लो। या हाँ, अरे वो लड़की होके नहीं रोई तो तू क्यों रो रहा है? लड़का होने की थोड़ी तो इज्जत रख यार, एक बात भेजे में बिठा ले तू। मेरी जैसी कई सेक्सी लड़कियाँ हस्बैंड की तलाश में होंगी, अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, तेरी मर्जी यार। तू दूल्हे की शेरवानी पहन ले, तब तक पंडित मंत्र पढ़ेगा जिसके लिए उसको पैसे मिले। भोर का समय हो गया, लड़के को बुलवाइए। मंगलम भगवान मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि ओम पूर्व स्वादचतुर्वर्ण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे वधू को पहनाइए, मंगल धोत्र पहनाइए। स्माइल, कितनी अच्छी जोड़ी है। Congratulations. बंद करो ये नौटंकी। कौन है? शादी हो चुकी, अब कौन रोकने आया? बेड़ा गर्क। बंद करो ये नौटंकी। Smile please. हेलो, दूल्हे की ओर से या दुल्हन? मैं ही दूल्हा हूँ, बिन बुलाए बाराती, चल निकल दिशो। Hey, रुको, तुम तो मैदान छोड़कर भाग गए थे, तू वापस क्यों आए? आपसे बाद में निपटूंगा सेट। अरे लेकिन कैसे लड़के हो तुम? तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, एन वक्त पर कार्तिक भगवान बनकर आया और हमारी इज्जत बचाया। पहले इसको सुना, बाद में मैं सुन लूंगा, चला। मुझे बर्बाद करके शर्मीली दुल्हन बन के घूंघट ओढ़ के बैठा है, चल खड़ा हो जा। खड़ा, मुझसे ही बाइक चलानी सीखी और मेरी मंगेतर को लेकर भाग गया। वो तुम थे डॉक्टर? तो और कौन था? लेकिन मुझे नहीं पता था। सच्ची मुच्ची नहीं पता था? हाँ पता था, जरा इधर आना। क्यों, यहाँ वास्तु दोष है क्या? डॉक्टर साहब, जब मुझे तुम्हारा पता चला तो दिल झटका खा गया। तो मेरी डार्लिंग ने मुझे आइडिया दिया कि मैं तुम्हारा पेशेंट बन के आऊँ तुम्हें लपेटे में लेने के लिए। रुक जा रुक जा रुक जा, शालू का नाम लेके मुझ पर शाल उड़ा दी, ये धोखा मैं नहीं भूलूंगा। डॉक्टर जरा मेमोरी का टेप रिवाइंड करो। डॉक्टर एक डाउट है, अगर स्वीटी भी उसे कन्विंस ना कर पाई तो? मेरे हिसाब से अगर उस गधे में थोड़ा भी SRDI है तो वो शर्म के मारे कन्विंस हो जाएगा। SRD मतलब? सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी इज्जत। उसके बाद भी ढीला नहीं माना तो हार्ट अटैक आने के बाद लाइफ लॉन्ग के लिए लकवा मर जाएगा। आज अभी मैं तुझे ब्रांड न्यू श्राप देता हूँ, अगर कोई किसी को धोखा देके हनीमून में जलसा करने जाएगा ना तो उसके दूध में छिपकली गिर जाएगी। हाँ।
सॉरी डॉक्टर, सोने जैसा दिल है तुम्हारा, जरूर कोई सोनी कुड़ी मिल जाएगी। तो करेले जैसी कड़वी है, तेरी ये जहरीली जुबान बंद रख। शादी के दिन तक अफेयर था, उससे शादी करके मुझे जोकर बना दिया। माथे पे लिखा है क्या? जोकर पे मोहर लगा दी।